जी हाँ, तो हम साहित्य अकादमी के सबसे बड़े मेले में यानी लिटरेचर फेस्ट में आपसे जुड़ रहे हैं और ऑनर्ड पर्सनालिटी चैनल के जरिए लगातार कई साहित्यकारों को, कवियों को, गजलकारों को और लेखकों को आपसे जोड़ रहे हैं। आज हम मिल रहे हैं कोंकणी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और कथाकार प्रकाश एस परेकर से, जिन्हें वर्षले के लिए एक इनकी पुस्तक जो कहानी संग्रह है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी सम्मान इन्हें मिला है कोंकणी भाषा के लिए। गोवा से आते हैं और इनकी और भी कई पुस्तकें पूर्व में प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, इन्होंने अलग अलग विधाओं पे अपने हाथ आजमाए हैं। तो आज प्रकाश जी से बात करते हैं, ये गोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और सुदूर गोवा के किसी क्षेत्र से आते हैं। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में और इस बहुत बड़े मेले में, साहित्य मेले में। क्या है आपकी ये पुस्तक वर्षले, बताएं इसके बारे में। वर्षल है कहानी संग्रह है, इसमें 20 कहानियां हैं। ज़्यादातर मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम रिमोट एरिया, जो पंजिम से 70 किलोमीटर से धावेतार से बिलोंग करता हूँ मैं। वहाँ जो माहौल है ग्रामीण है, जो आंचलिक है। तो आई एम बिलोंग टू एग्रीकल्चर फैमिली, तो मेरी जो कहानी रहती है तो ज़्यादातर जो लोग रहते हैं, मार्जिनल जो लोग रहते हैं उसी पर मैं ज़्यादा लिखता हूँ। जो खेती में काम करते हैं और जो छोटे मोटे काम करते हैं उसी पर लिखता, जो जिसके जिस पर अन्याय होता है। आई थिंक आई एम गिविंग अ वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड पीपल। वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो वर्सल टाइटल जो कथा है, कहानी है जो है, तो ये उसका लिटरल अनुवाद हिंदी में क्या है? वर्सल मीन्स वंस इन अ ईयर। ओके, तो क्या होता है, मैं हमारे गांव में एक हमारा गाँव का एक सिस्टम है जो हरिजन समाज है, जो अनटचेबल है, जो गाँव के बाहर रहते हैं, अछूत है। तो गांव के त्यौहार के एक पूरा बरस रहता है, उस पर ड्रम बजाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो लोग हैं उसी को बहुत अन्याय होता है, उसके घर कोई नहीं जाता, उसके घर जाके कोई खाना नहीं खाता है। तो यहाँ रिवॉल्ट करता है एक छोटा सा जो पढ़ने वाला मधु है, वो रिवॉल्ट करता है कि हाँ, मैं अभी नहीं बजाऊँगा, क्यों? जो एलिट लोग हैं तो अन्याय कर रहे हैं मुझे, मेरे जो पिताजी है उसके ऊपर बहुत अन्याय किया है। तो उसको समझ आती है कि ये अन्याय, मैं आगे नहीं चलूँगा, इसलिए रिवॉल्ट करता। तो क्या ये संग्रह की सभी कहानियाँ किसी खास पात्र के इर्द गिर्द घूमती है या अनटचेबिलिटी के आसपास घूमती है? ये तो अनटचेबिलिटी है। दूसरे जो एक कहानी है, एक मंकी किलर, अपने मंकी किलर में जो वानर मारे करते, वानर मारे जो मंकी जो उसको मार के खाते हैं, उसके ऊपर एक कहानी है। जो वहाँ भी जो वर्ग संघर्ष जो है, जो वानर मारे और वहाँ के लोग, एलिट लोग जो रहते हैं गांव में, उसके बहुत बड़ा संघर्ष है, ये दिखाई दिया है मैंने। और एक जानी कहानी, जानी करके एक टाइटल की कहानी है, तो धनगर लोग है, ट्राइबल लोग, उसी के ऊपर है। जानी मीन्स एक्चुअली द काउ इज ऑफर्ड टू द गॉड। Okay. उसके ऊपर तो सिंस यू सेड दैट लाइक द थीम ऑफ द स्टोरी इज लाइक ऑल यू नो सम एनिमल और यू नो अनटचेबिलिटी, आई हैव आल्सो हर्ड दैट कि आपकी स्टोरीज को चार कहानियों पे फिल्में भी बन चुकी हैं। कौन सी वो कहानी है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। एक कहानी है मोनेल माया, उसी पर मराठी का फिल्म बना है। दूसरी कहानी है गळ्यात लोकरीस, उसी पर क्रॉस अक्रॉस फिल्म कोंकणी में बना है, उसको यहाँ हमारे जो फिल्म फेस्टिवल में गोवा में उसको प्राइज़ भी मिला है। बाद में और एक कहानी है चंद्रकोर, जो मुझे यहाँ दिल्ली से कथा संस्था है, उसे 2003 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। उसी पर एक मराठी फिल्म बनी है रान भूल करके। दूसरी एक कहानी मेरी है इस बरस जिसका जो फिल्म बनी है शोभित सुंदर नेहा, ऐसे उसके ऊपर एक मराठी फिल्म बना है। मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है, डायलॉग्स भी लिखा है और लिरिक्स भी मेरे। क्या बात है। तो जी हाँ, हम लगातार बात कर रहे हैं कोंकणी के लेखक प्रकाश जी से, जो गोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं और साथ साथ लिख भी रहे हैं, गोवा के सुदूर प्रांत से आते हैं। प्रकाश जी, ये बताएं कि लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, हाउ यू गॉट दिस इंस्पिरेशन? पहले तो मैं पढ़ता था दसवीं में, तो एक मराठी में कविता लिखता था। बाद में मैं व्हेन आई ज्वाइन टू कॉलेज में ज्वाइन किया, तो मैंने बहुत से कोंकणी पुस्तक पढ़ने के लिए पढ़े और मैंने वहाँ से मैंने कहानी लिखना शुरू किया। वो जर्नी वहाँ से शुरू किया।
ठीक है, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएं, कुछ और कहानियाँ लिख रहे हैं? कुछ कहानी लिख, मैं तो ज़्यादा नहीं लिखता, जो लिखता हूँ जो लिखता हूँ कि जो क्वालिटी लिखता हूँ। तो अभी मेरा एक नॉवेल प्रकाशित हुआ है, उसका नाम है पूरण। पूरण मीन्स अ सिल्ट बेस्ड कल्टिवेशन। हमारी जहाँ नदी है, मांडवी नदी है, मेन नदी मांडवी नदी है जो कर्नाटक से आते हैं, उसको वहाँ महादेव बोलते हैं। जो क्या होता है बारिश में, कि बारिश के दिन में जो पूरे का पूरा जो मिट्टी आती है, बह के आती है, पत्थर आते हैं, सब कुछ आता है बेटा, देन इट्स गेट सेटल होता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो सेटल जो पत्थर रहती है वो निकालते हैं, और वहाँ निकाल के जो दूसरी मिट्टी वहाँ डाल के पेडी क्रॉपिंग होता है। साहित्य अकादमी ने आपको सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? क्या अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं पाठकों की, या खुद से अपेक्षाएं बढ़ गई कि और लिखना है? अपेक्षा तो है, लेकिन मुझे लगता है जवाबदारी ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे अच्छा लिखना है। तो पाठक क्या इंतज़ार करें कि कुछ और अच्छी किताब डेफिनेटली बिकॉज मैं अभी टू नॉवेल्स ऑलरेडी हैव रिटन, तो अभी पब्लिश हो जाएगी, और मेरा और दो किताब भी है, प्रेस में है अभी तक। तो प्रकाश जी ये बताएं कि पढ़ाने के अलावा, जब आप शिक्षण से भी जुड़े हैं, पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, लिख भी रहे हैं, इसके अतिरिक्त क्या काम करते हैं और खाली वक्त में कैसे? नहीं मैं काम कर, एक्चुअली आई एम फाउंडर ऑफ द प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल, मराठी स्कूल। आपने वो स्कूल स्थापित किया? हाँ, घर में चलता था हमारे, नाइन ईयर्स हमारे क्लासेस मेरे घर में चलती थी। और आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रैकिंग प्रोग्राम एवरी ईयर, दिस इज 24th ईयर। तो जहाँ हमारे इलाके में जो माधे अभयारण्य है, सेंचुरी है, वहाँ हम घूमते हैं, MHOs को लेके जाता हूँ। और दूसरा, सेकेंडली, वी हैव लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है साहित्य मंथन, लास्ट 14 ईयर्स। तो मैंने ग्रामीण साहित्य सम्मेलन शुरू किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा प्रयास है। गांव में ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं, जो शहर के लोग हैं वह गांव में लेके जाता हूँ मैं, गांव में लोग वहाँ जो योग लास्ट ईयर का जो हमने किया था वही पूरा गांव में, और मेन एंटर के नीचे हमने ऑर्गेनाइज किया। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सी एक्टिविटीज़ होते हैं। आई एम ऑल्सो एक्चुअली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ मैं। महादेव बचाओ अभियान जो है, महादेव जो मेन हमारा मांडवी नदी है, क्यों आपको मालूम रहेगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है सीरीज ऑफ डैम बना रहे हैं उपनदी के ऊपर, तो दे आर डाइवर्टिंग द वाटर टू द मलप्रभा, फ्रॉम महादेव वैली टू मलप्रभा वैली। तो हम सोचते हैं कि एक जगह से पानी दूसरी जगह लेना बहुत बुरी बात है। यानी आप लेखन के साथ भी समाज कार्य कर रहे हैं, और आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपने ग्रामीण फेस्टिविटी शुरू करी है कवियों को लेकर, ये एक अच्छा प्रयास है। जी हाँ, तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, जो कोंकणी के लिए पुरस्कार जीत कर आए हैं साहित्य अकादमी 2023 के लिए, प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी लगातार लिखते भी हैं, सक्रिय भी हैं, और खाली वक्त में सोशल वर्क भी करते हैं। कुछ एक संदेश जो आप हमारे देश के नागरिकों को, हमारे युवाओं को, और खास तौर से पाठकों को देना चाहें? एक्चुअली मैंने देखा है कि एज अ राइटर कि देर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नॉट इनली इन अ कास्ट लेवल, इज अ क्रीड लेवल, और मे बी रीजनल लेवल, रिलीजन लेवल, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, उसका मतलब क्या है। Everywhere there is a description. Description between the male and female. Discrimination between the एक गांव से दूसरे गांव की discrimination करते, one region से दूसरे discrimination होता है। ये बंद होना चाहिए। Because actually I'm as a writer I am actually मैं देखता है कि जो ये जो हर अलग अलग समाज के लोग हैं, एक सब मनुष्य है, उसका एक तरह से एक नज़दीकी से देखना चाहिए। There should be no discrimination between man and man, woman and man, or maybe ये नीचे जाती है का, मैं ऊंच जाती है का, ये नहीं होता। There should not be discrimination. यानी आपकी कहानियों के जो पात्र हैं वो कभी एनिमल है, कभी नेचर है, तो कभी अनटचेबिलिटी भी है। तो इन तमाम कहानियों के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं? संदेश देता है, मैं वॉइस देता हूँ, वॉइस देता हूँ। जो साइलेंस रहते हैं उसको वॉइस देता हूँ। बोलते नहीं ना गाँव के लोग, बोलते नहीं एलिट जो लोग के सामने बोलते नहीं। So I am giving the voice to them. That's great. That is like Prakash ji, अपेक्षा थी कि साहित्य अकादमी सम्मान मिल जाएगा? नहीं, और इतने बड़े लिटरेचर फेस्ट में आने का मौका मिलेगा? मौका तो मिलता ही, क्यों साहित्य अकादमी हमें मिलती है। Were you expecting that you'll get this award? But no, because there are more than 25 senior most writers are there in Kokani.
बट बहुत जल्दी बहुत जल्दी मिला मुझे, बहुत जल्दी अवार्ड बहुत जल्दी में एटलीस्ट 5 to 6 जल्दी मिला मुझे। तो मुझे लगता है कि जो बाद में मिलना चाहिए था वो पहले पहले मिला। क्या बात है। तो इस बात के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं होती है, उड़ान हौसलों से होती है। प्रकाश जी ने लगातार अपने सतत प्रयास से और चुनौतियों से जूझकर भी इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और आगे भी लिखते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि अगला लिट फेस्ट में ये फिर से हमें जुड़ेंगे, हमें देखेंगे और हमें बातचीत का अवसर देंगे। और अगले लिट फेस्ट में जब ये आए, साहित्य अकादमी आए, तो और एक नई नई पुस्तक के साथ आए और हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों तक साझा करें अपनी बात को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार प्रकाश जी, आप जुड़े और कोंकणी को ऐसे ही समृद्ध करते रहें अपनी लेखनी से। बहुत आभार।